नियम दिए गए। तो परिभाषा आप देख चुके हैं, बंद परिपथ में उत्पन्न प्लेट धारा की दिशा को ज्ञात करने के आप क्या देखेंगे, नियम देखेंगे। अभी तक हम देख चुके थे कि प्लेट विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि कुंडली कैसी हो, बंद हो, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। जो धारा प्रवाहित होने लगती है उस धारा को ही क्या कहा जाता है, प्रेरित धारा कहा जाता है। माने उसी परिभाषा के आगे एक लाइन बढ़ जाएगी कि जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को क्या कहा जाता है, प्रेरित धारा कहा जाता है। अब जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उस धारा की हमें क्या ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करना है कि जो धारा उत्पन्न हो रही है उस धारा की दिशा क्या है। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आप एक नियम देखेंगे, लेंज का नियम। लेंज क्या हो जाएंगे आपके, वैज्ञानिक हो जाएंगे। लेंज का एक नियम हो जाएगा। इसके साथ यदि आप देखेंगे तो दूसरे वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग। तो वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, एक दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम। इन नियमों की सहायता से ही हम जो प्रेरित धारा होती है उस प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा नियम पढ़ना होता है, लेंज का नियम पढ़ना होता है। यानी पहले आप कौन से नियम को देखेंगे, लेंज के नियम को देखेंगे। लेंज के नियम यहाँ से तीन चार जगह लगेगा। आप लेंज के नियम को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में संरक्षण नामक शब्द लग जाए तो समझ जाइए कि ना तो वो चीज़ उत्पन्न होगी और ना ही नष्ट होगी, उसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होगा, नष्ट नहीं होगी, केवल रूप में क्या होता रहता है, उसके में परिवर्तन होता रहता है। तो पहला जो हमारा जो नियम दिया गया है इसको हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। लेंज के नियम में देखेंगे, इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना तो हम समझ गए हैं, अब यहाँ पर जो होता है तो वैज्ञानिक लेंज ने कहा कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में या प्रत्येक कंडीशन में प्रेरित धारा की जो दिशा होती है, जो धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। जो प्रेरित धारा होगी वह उसी का विरोध करेगी जिससे वह क्या हो रही हो, उत्पन्न हो रही हो। इसे क्या कहा जाता है, लेंज का नियम कहा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। इस नियम को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। और जो लेंज का नियम होता है, एक ऑब्जेक्ट फिर से, जो लेंज का जो नियम होता है यह किसके अनुकूल होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होता है। किसके अनुकूल होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होता है। अब यहाँ पर यह अपना पहला नियम हो गया, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल, जिसकी सहायता से विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। अब इसके साथ ही हम देख रहे थे दूसरे हम देखेंगे दूसरे वैज्ञानिक कौन से हैं, फ्लेमिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखेंगे। फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम दिया गया है, दाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा या मध्यका और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। तीनों ही एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, परस्पर लंबवत होने चाहिए। ये अपना हो गया दाया हाथ, स्थिति ये रहेगी। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पे भी इन दोनों के मध्य देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। माने ये परस्पर तीनों एक दूसरे के कैसे रहेंगे, लंबवत रहेंगे। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम कहते हैं कि दाएं हाथ की तर्जनी ये होती है, मध्यका और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों ही एक दूसरे के परस्पर कैसे रहें, लंबवत रहें। कैसे रहें, लंबवत। तो जो
तर्जनी होती है, ये वाली उंगली जो तर्जनी होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वहीं पर यदि मध्यमा को देखा जाए, मध्यमा या मध्यका को देखा जाए, तो जो मध्यमा होती है ये किसको प्रदर्शित करती है? प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। मालूम चला गया प्रेरित धारा का? तो जो मध्यका होती है ये किसको शो करती है? प्रेरित धारा की दिशा को क्या कहती है? प्रदर्शित करती है। वहीं बचा हुआ है हमारा अंगूठा। तो जो अंगूठा होता है ये अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? अंगूठा चालक की गति की दिशा को क्या कहता है? प्रदर्शित करता है। चालक की गति की दिशा क्या है? उस चालक की गति की दिशा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अंगूठे को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो प्रेरित धारा थी, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के हमने दो नियम देखे। एक तो कौन सा नियम देखा? लेंज का नियम। लेंज का नियम हमारा क्या था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में विद्युत धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है या इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई। ये लेंज का नियम होता है और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होता है। और दूसरा अपन ने देखा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग दाएं हाथ की तर्जनी मध्यका और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के कैसे रहें, लंबवत रहें। तो जो तर्जनी होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो मध्यका होती है ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, और जो अंगूठा होता है ये चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका क्या हो गया? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का।